गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कल की क्लास में हमने डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में एंड आरएच एंटीजन के बारे में डिस्कशन किया था। बच्चों आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, कि किस प्रकार जब इंजरी हो जाती है, टिश्यू डैमेज होता है, तो क्लॉटिंग कैसे पॉसिबल होती है। इससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो आरबीसी जो होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं डोनन्स मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके बेटा, आरबीसी मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, तो ये परवियेबल होती है, इसमें से जो HCl3- आयन है वो डिफ्यूज होके बाहर चले जाते हैं, क्लोराइड आयन है वो डिफ्यूज होके अंदर चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज बतानी थी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं, ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है। आप मेरे साथ साथ में स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। The next topic is blood clotting. इसको टेक्निकली बताऊंगा बच्चों में। सबसे पहले लेते हैं अपन थ्रोम्बो प्लास्टीन, थ्रोम्बोप्लास्टीन। प्रो थ्रोम्बो थ्रोम्बी प्रो थ्रोम्बिनेज एंजाइम, और इसे हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। चलिए फिर हम लेते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में। फाइब्रिनोजन ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। बच्चों ध्यान से देखिए कि बच्चों जब भी हमारे अंदर जब भी कोई चोट लग जाती है हमारे हाथ के ऊपर, पांव के ऊपर, तो विद इन 1 or 2 मिनट्स तक जो है ब्लीडिंग होती है, देन फिर अगले 5 to 8 मिनट्स में ही जो है ब्लड रुक जाता है और क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये क्लॉटिंग कैसे होती है? तो जब भी बच्चों टिश्यू डैमेज होता है तो उन टिश्यूज से या सेल से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, या इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो प्रोथ्रोम्बिन है, जब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बन जाता है
तो जो प्रोथ्रोम्बिन है ये कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये इनएक्टिव स्टेट में है तो ये एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में। अब जो ब्लड के साथ में जो प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन, तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये पॉलीमराइज हो जाती है थ्रोम्बिन के कारण से, ठीक है, और पॉलीमराइज हो जाके ओके क्या बना लेती है, ये फाइब्रिन्स के फाइब्रिन्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइब्रिन्स क्या है, जहां पर चोट लगती है, जहां भी चोट लगती है तो वहां पर इस तरीके से ये क्या एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये देख रहे हो बच्चों आप, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है कि ये जो फाइब्रिन के मोनोमर्स हैं या धागे हैं ये इस तरीके से एक अरेंज हो जाते हैं और इनके अंदर जो ब्लड सेल्स होती है वो फंस जाती है, ठीक है ना। तो फाइब्रिन नेट प्लस ब्लड सेल्स ये जो फंस जाती है तो क्या बना लेते हैं ये क्लोट बना लेते हैं। तो क्लोट का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ओके बेटा, तो ये चीज अच्छा ब्लड की ये बच्चों पैटर्न है, लर्निंग में आसान है ब्लड क्लोटिंग के टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है ना। अच्छा क्लोटिंग के लिए कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, टोटल 13 टाइप के क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इनका फॉर्मेशन लीवर में होता है। ध्यान रखना ब्लड क्लोटिंग के लिए जो फैक्टर्स हैं वो टोटल 13 है और ये सब लीवर में बनते हैं और इनके बनने के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन के की, ठीक है ना। और इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम रोमन नंबर में शो करते हैं। किसमें शो करते हैं? रोमन नंबर के अंदर शो करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। चलिए क्लोटिंग फैक्टर्स, इसको टोटल 13 है बच्चों, कितने हैं? टोटल 13 है और ये लीवर में बनते हैं और इनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, 12 एंड 13। ये देखिए बच्चों, इन क्लोटिंग फैक्टर्स को हम रोमन नंबर में शो करते हैं, ओके? और इनके लिए कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन के की। किसकी? विटामिन के की। तो बच्चों ये टॉपिक यहां तक था। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है, किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है। बच्चों जो एनिमल्स हैं, मान लो मैं कॉर्डेट्स की बात करूं तो इन एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और बॉडी फ्लूड, जो सर्कुलेटिंग फ्लूड है इसके बेसिस पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट लेते हैं बॉडी फ्लूड के बेसिस पर, एक तो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सेकंड है लिम्फेटिक सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी फ्लूड के बेसिस पर टू टाइप्स का है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। ओके बेटा, जो ये बॉडी फ्लूड है बच्चों, ये बॉडी फ्लूड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन बॉडी फ्लूड के द्वारा, ब्लड के द्वारा, लिम्फ के द्वारा जो है डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है डाइजेशन के बाद में, फूड के डाइजेशन के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है वो इन बॉडी फ्लूड के द्वारा होता है। तो पहले बच्चों हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, हमारी बॉडी के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सॉरी यहां पर बच्चों एक बार मैं आपको रोक रहा हूं, अपन खाली सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि बॉडी फ्लूड के बेसिस पर टू टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी एंड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। एक बार मैं इससे पहले पीछे जाऊंगा क्योंकि यहां पर नॉन कोडेड भी इंक्लूड हो रहे हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उनमें बॉडी फ्लूड कैसे सर्कुलेट होता है, उस बेसिस पर टू टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जैसे कि आर्थ्रोपोडा के अंदर, मोलस्क के अंदर, तो जो ब्लड होता है, सॉरी जो बॉडी फ्लूड होता है, ब्लड जो होता है वो ओपनली फ्लो होता है, वो क्या होता है ओपनली फ्लो होता है, क्लोज्ड मैनर में फ्लो नहीं होता, और जो बॉडी टिश्यूज होते हैं वो डूबे रहते हैं उस बॉडी फ्लूड के अंदर, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सेकेंड हम लेते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अपन अगर हायर एनिमल्स की बात करें और कुछ एक लोअर एनिमल्स की भी बात करें तो इनके अंदर हार्ट पाया जाता है और ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो हार्ट के द्वारा ब्लड की पंपिंग होती है और ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है या फ्लूड है वो फ्लो होता है क्लोज्ड मैनर में। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनमें हार्ट किस तरीके से उनमें चैम्बर्स पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले लेते हैं फिसेस। जो फिसेस ग्रुप है, ठीक है बेटा, जो फिसेस है जिसमें सारी मछलियों को इंक्लूड करते हैं हम, इनके अंदर हार्ट जो होता है टू चैम्बर्ड होता है,
कितने चैम्बर्ड होता है? टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट। ओके बेटा, मछलियों के अंदर, फिशेस के अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक चैम्बर अपर चैम्बर होता है जिसे हम ऑरिकल या एट्रियम कहते हैं, और लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं, और फिशेस के हार्ट को हम वीनस हार्ट कहते हैं, क्योंकि इनके हार्ट के अंदर दो ही चैम्बर है और उन दो चैम्बर से जो है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, बॉडी से, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड आता है ऑरिकल के अंदर, फिर वेंट्रिकल के अंदर, फिर वहां से जाता है गिल्स में, और गिल्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, देन फिर वो वापस बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स तक जाता है। ओके बेटा, तो इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो होने के कारण से इसे हम क्या कहते हैं? वीनस हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस हार्ट कहते हैं। और इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। क्योंकि हार्ट से केवल एक ही टाइम जो है ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, सेकंड लेते हैं हम एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, और रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके बच्चों, रेप्टाइल्स में एंड एम्फीबियंस के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेकिन ये इनकम्प्लीटली फॉर्म होते हैं, तो इनके वेंट्रिकल के अंदर दोनों जो ब्लड है वो मिक्स हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ और फिफ्थ, एवीज एंड मैमल्स। जो एवीज यानी कि जो बर्ड्स हैं एंड जो मैमल्स हैं, इनके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके अलावा जो क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स हैं, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इनके हार्ट में दो पार्ट हैं क्रोकोडाइल, एवीज एंड मैमल्स में, एक तो राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। तो जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और जो राइट पार्ट है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इनके अंदर अपर दो चैम्बर होते हैं जो छोटे होते हैं, उन्हें एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। और लोअर दो चैम्बर होते हैं जिन्हें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। और इस तरीके से रेप्टाइल, सॉरी क्रोकोडाइल्स, एवीज एंड मैमल्स के हार्ट से ट्वाइस, टू टाइम्स ब्लड फ्लो होता है। ठीक है बेटा, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बच्चों टाइम कम है, कुछ टर्म्स में बता रहा हूं। एक तो है साइनस विनोसस, साइनस विनोसस कॉनस आर्टीरियोसस ये बच्चों कुछ दो एडिशनल चैम्बर हैं, दो एडिशनल चैम्बर हैं जो हार्ट में पाए जाते हैं। तो एवीज और मैमल्स के अंदर, एवीज एंड मैमल्स में कंप्लीटली ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो फिशेज और एम्फीबियंस हैं, फिशेज और एम्फीबियंस के अंदर साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टेरियोसस, ये दो एडिशनल चैम्बर जो हैं छोटे चैम्बर्स पाए जाते हैं। जबकि रेप्टाइल्स के अंदर ओनली साइनस विनोसस होता है, लेकिन कॉनस आर्टेरियोसस नहीं होता। ठीक है बेटा,
बच्चों टाइम कम है, मैंने ह्यूमन हार्ट का स्केच ड्रॉ करके रखा है, मैं कैमरा चेंज कर रहा हूँ, आप लास्ट तक बने रहना और मैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर अपन बाद में टाइम बचता है तो अपन अपने डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा, आपके जो भी डाउट्स हैं। तो मैं बच्चों कैमरा चेंज कर रहा हूँ, आप वेट करना। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। टाइम कम है अपने पास में, 10-15 मिनट्स का टाइम है, आप लास्ट तक बने रहना और आज जो स्केच मैंने बना के रखा है ऑलरेडी उसको अपन पूरा समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमन जो हार्ट है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती है। ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होता है बच्चों वो एक क्लेंच्ड फिस्ट के जितना होता है, अब हमारी जो बंद मुट्ठी है उस साइज का हार्ट होता है, लगभग 5 इंच उसकी लंबाई होती है, ठीक है बेटा। और जो ह्यूमन हार्ट है, हमारा जो हार्ट है बच्चों, इसका जो वेट होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है, ओके। और हार्ट का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म से होता है, किससे होता है, मीजोडर्म से होता है, ठीक है। अच्छा, हार्ट के बाहर बच्चों एक डबल मेम्ब्रेन जो से कवर्ड होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूड होता है जो हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, फ्रिक्शन को कम करता है, उस फ्लूड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं। और ये हमारी थोरेसिक कैविटी, हमारे लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी है वहां पर ये लोकेटेड होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, टिल्टेड होता है थोड़ा सा, ठीक है बेटा। अच्छा, जो हार्ट की जो वॉल है, जो हार्ट की वॉल है बच्चों, उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिकार्डियम, मिडल लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम और इनर लेयर को कहते हैं एंडोकार्डियम, ओके। तो जो एपिकार्डियम होती है वो स्क्वैमस सेल्स से बनी होती है, जो एंडोकार्डियम है वो भी स्क्वैमस सेल्स से बनी होती है, और जो पेरिकार्डियम जो मिडल लेयर है वो कार्डियक मसल से बनी होती है। बच्चों ह्यूमन जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बनता है, जो कि कभी भी थकती नहीं है, दे नेवर गेट फैटिग, ओके। वो कभी भी थकती नहीं है क्योंकि कार्डियक मसल्स लगातार अपना वर्कआउट करती रहती हैं, और ये सेल्फ इंड्यूस्ड होती है, सेल्फ जनरेटेड होती है, ओके बेटा। तो बच्चों मैं जल्दी से आपको ह्यूमन हार्ट के स्केच को समझा देता हूं, टाइम कम बच रहा है अपने पास में। ये बच्चों ह्यूमन हार्ट का स्केच है, ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। ये क्या है बच्चों, राइट और ये लेफ्ट पार्ट है। ये अपर दो चैंबर है, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, इसे हम ऑरिकल भी कहते हैं। राइट एट्रियम थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है क्योंकि ये इस तरफ ग्रो होता रहता है, सॉरी ग्रो क्या, यहां तक होता है ये, तो लेफ्ट एट्रियम का जो साइज है वो छोटा होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, जो राइट एट्रियम है ये खुलता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और यहां पर बच्चों एक वॉल्व है जो कि थ्री फ्लैप से बना होता है, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्व जब ब्लड यहां से यहां आना होता है तब खुल जाता है और वापस क्लोज हो जाता है, जिससे बैक फ्लो ना हो। इसी तरीके से जो लेफ्ट एट्रियम है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है, और यहां पर 2 फ्लैप्स का वॉल्व है जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसे हम कहते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। क्या कहते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर या इंटर एट्रियम सेप्टम कहते हैं। और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है इसे हम क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं, ओके। और बच्चों ये जो है ये सुपीरियर वेना केवा है। ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा है, जो बॉडी के ऊपरी हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और पोर कर देती है राइट एट्रियम के अंदर। ये बच्चों इंफीरियर वेना केवा है, जो बॉडी के निचले भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है
और राइट एट्रियम में पोर कर देती हैं। हमेशा राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ओके बेटा, अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना, दोनों जो दोनों लंग्स हैं, एक लंग से हमेशा ध्यान रखना बच्चों, लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहां थोड़ा रिवर्स है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लाती है। तो दो पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से और दो पल्मोनरी वेन राइट लंग से निकलती हैं और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करती हैं। तो ये है बच्चों दो राइट पल्मोनरी वेन्स और ये है लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ओके, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो सेंड किया जाता है लंग्स के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए लंग्स तक सेंड किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। तो ये है बच्चों राइट पल्मोनरी, ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके बेटा, और ये है एओटा, ये क्या है एओटा, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट भागों में सप्लाई करता है। ओके अच्छा अब बात करते हैं बच्चों वॉल्व की। अच्छा बच्चों यहां पर कोरोनस सल्कस नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, तो वो राइट एट्रियम में खुलती है साइड से, जो लेटरल साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में लाती है और वहां पर जो वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं थिबेशियन वॉल्व। क्या कहते हैं? थिबेशियन वॉल्व। ठीक है, और जो वेना केवा है, सुपीरियर जो लार्जेस्ट वेन्स है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, ये राइट एट्रियम में ओपन होती है, वहां पर जो वॉल्व पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं यूस्टेकियन वॉल्व। क्या कहते हैं? यूस्टेकियन वॉल्व कहते हैं, यूस्टेकियन वॉल्व कहते हैं। ठीक है बेटा, थिबेशियन वॉल्व क्या है कि जो कोरोनस सल्कस है, ठीक है ना, जो कि लेटरल पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाते हैं, तो वो जिस वॉल्व से ओपन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थिबेशियन वॉल्व कहते हैं। और जो वेना केवा जिस वॉल्व से ओपन होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूस्टेकियन वॉल्व कहते हैं। और राइट वेंट्रिकल बच्चों पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है, तो वहां पर जो वॉल्व पाया जाता है उसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल एओटा में ओपन होता है, तो वहां पर भी एक वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ओके अच्छा बच्चों, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर ये एक नोडल टिश्यू है, राइट एट्रियम के अंदर ये एक नोडल टिश्यू है, इसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। क्या कहते हैं? साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, इन शॉर्ट इसे SAN कहते हैं। ये हार्ट का पेसमेकर है क्योंकि ये इंपल्स जनरेट करता है फॉर द हार्ट बीट, ठीक है ना, हार्ट बीट के लिए इंपल्स को जनरेट करता है SAN, तो इसे हम पेसमेकर कहते हैं। सेकेंड नोड जो है वो राइट एट्रियम के लोअर राइट कॉर्नर में होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, इसे हम कहते हैं AVN, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। क्या कहते हैं बेटा? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड कहते हैं। तो यहां से जो न्यूरॉन्स है निकलती है वो यहां से कनेक्टेड रहती है, AVN से कनेक्टेड रहती है, ठीक है बेटा, और यहां से जो न्यूरोन निकल रही है वो यहां से होती हुई एक बंडल के रूप में इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम में ग्रो करती है और इनसे कई सारी फाइन फाइबर्स निकलते हैं जो पूरे हार्ट में आगे पीछे सब जगह सप्लाई हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस नर्व के बंडल को हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज, इस नर्व के बंडल को हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज, और इनके द्वारा जो नर्व्स निकल रही हैं इन्हें हम कहते हैं परकिंजे फिलामेंट और परकिंजे फाइबर, जो पूरे हार्ट में इंपल्स को ट्रांसमिट कर देती है,
ओके तो बच्चों इस तरीके से पर्किंजे फिलामेंट से होते हुए जो इम्पल्स है वो पूरे हार्ट में सप्लाई हो जाते हैं। बच्चों जो SAN है, SAN 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 72 बीट्स जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है 72। और इसी कारण से 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम्स जो है बीट करता है, उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये हार्ट बीट की जो रेट है वो इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर ज्यादा होती है, 120 से लेकर 140 तक, फीमेल्स में भी ज्यादा होती है, लगभग 80 और उससे ज्यादा, ठीक है। ठीक है तो 80 से ज्यादा, और जो जो रैबिट्स हैं उनमें 200 और उससे ज्यादा भी हार्ट बीट होती है, ठीक है बेटा। चलिए तो इस तरीके से बच्चों एक चीज और, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसकी जो वॉल होती है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो पंपिंग होती है वहां से ही सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक जो है सप्लाई होती है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, रिमेनिंग टॉपिक अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।